आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश की उज्जैन साइबर सेल और पुलिस ने जिले भर में सप्लाई होने वाले गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर पिता पुत्र सहित चार आरोपियों से एक क्विंटल 44 किलो गांजा जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह गांजा दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों से होता हुआ जिले के छोटे छोटे गांव में तस्करों तक पहुंचाया जाना था। इसके लिए जेल में बंद उज्जैन शहर के एक गांजा तस्कर की भी भूमिका सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों तस्करों से दो कार व एक बाइक सहित एक क्विंटल 44 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 51,44,000 के करीब बताई जा रही है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी खेप के पकड़े जाने के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं यह जानकारी भी लगी है कि इस तरह की 3 से 4 खेप प्रति महीने तस्करों तक पहुंचाई जा रही थी। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को सूचना मिली थी कि चंदू खेड़ी में कार से गांजे की खेप आने वाली है। एसपी ने सूचना मिलते ही साइबर और पुलिस की टीम को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर चंदू खेड़ी के पास कार को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक कार में संतोष सिंह सवार था, जिसके कब्जे से 71 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने संतोष की निशानदेही पर मदन लाल धाकड़ व उसके पुत्र दीपक धाकड़ को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद कचरौद निवासी राजेश जायसवाल को भी गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से पुलिस ने पिता पुत्र सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 51,44,000 का गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिले में मादक द्रव्यों की तस्करी के संदर्भ में हमारी एक समर्पित टीम हमने तैयार की थी, जो लगातार इस पे काम कर रही थी, और इसमें जो मादक द्रव्य जो गांजा, इसका एक पूरा नेटवर्क का हमें जानकारियां लगातार प्राप्त हुई, तो उसका हमने विश्लेषण किया। और विश्लेषण करने के पश्चात कल एक महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी से महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जो खाचरोद में अपने एक साथी के पास सामान लेकर जा रहा है, उसके साथ लेकर जा रहा है, और उसको देहात क्षेत्र में उनको आज ही डिस्ट्रीब्यूट करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर हमने गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो उस गाड़ी में दोनों आरोपी मिले और उनके पास से 71 kg गांजा जब्त हुआ। तत्काल ही हमने उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान जो उनका और जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क की जानकारी मिली, जिस पर हमने 2 जगह दबिश की। उस दबिश के दौरान हमें 1 जगह से 53 kg और दूसरी जगह से 20 kg गांजा मिला, जो वितरण के लिए ले जाया जा रहा था।